यू आशा जी। मैं ये कह रहा था आपको कि एक प्रश्न और भी आता है कि जैसे हम आपका जो पूरा है अग्निशक्ति अनलोड करेक्ट, विच इज एक्चुअली हेल्पिंग पर्टिकुलरली फीमेल जो मेंबर्स होते हैं उनको अपना वेट लॉस प्रोग्राम के अंदर काफी हेल्प करता है, क्योंकि काफी बीमारियां ऐसी है जो वेट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दोज डिसीज। इफ यू कंट्रोल योर वेट, इफ यू मेजर एंड कंट्रोल डू अ फिटनेस फॉर योर बॉडी, इट विल डेफिनेटली सपोर्ट यू इन गेटिंग रीड ऑफ मेनी ऑफ दोज एलिमेंट्स। तो ये जो आपका जो अग्निशक्ति डाउन अग्निशक्ति अपलोड राइट, तो प्रोग्राम के बारे में कुछ जान तो बताएंगे मैं कि किस तरीके से वेट लॉस में मदद करता है। हाँ जी, पिछले साल ऐसा हुआ कि 2 साल पहले किसी ने मुझे कहा हमारी योग क्लास में आकर कि आपके यहाँ की महिलाएं बहुत मोटी हैं। तो ये चीज मुझे खलती थी पहले से, और फिर मुझे ये चीज मेरे दिल को लगी जब किसी ने कहा। मैंने कहा इनको योग सिखा सिखा के तो परेशान हो गए, लेकिन ऐसा कुछ ये लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं तो कुछ कमी है और इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो अचानक ही ख्याल आया कि इनके लिए एक कॉम्पिटिशन रखा जाए कि जो सबसे ज्यादा वेट लॉस करेगा उसको हम प्राइज देंगे। और महिलाओं में कंपटीशन की होड़ लग गई। उसके साथ में हमने फैशन शो भी रखा, उसके साथ हमने काफी सारी एक्टिविटीज भी रखी, उनको कम्युनिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ तक कि फैशन, क्योंकि फैशन शो करना था, वहां से हमने उस कार्यक्रम की शुरुआत करी। हर एक लेडी ने बहुत अच्छा वेट लॉस अचीव किया, बहुत अच्छा वजन उन्होंने कम किया। जो सबसे नंबर 1 पे आई उसने कम से कम 3 महीने में 15 किलो अचीव किया। ये बातें मैं उनको पहले भी समझाती थी, लेकिन वो लोग उस पर गौर नहीं करते थे। जब हमने इसको कंपटीशन का रूप दिया, कम से कम 250 के लगभग पहले ही प्रोग्राम में महिलाओं ने ज्वाइन किया, उनको हमने वर्कआउट करवाया, उनको योगा करवाया, उसके साथ में उनको डाइट की सलाह दी। कई तरीके के उनके डाइट के सेशन हुए, वेट लॉस उनको समझाया कि भाई आपको खाकर वेट लॉस करना है। जब हम भोजन करते हैं पेट भर के, और बार बार सुबह से लेकर रात तक जब समय समय पर यही वजन को कम रखता है, सही भोजन सही मात्रा में जितनी बार हम खाते हैं वो हमको उतनी ही एनर्जी देता है और वजन को कम रखने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। पहले तो सारी महिलाएं घबराई कि हम नहीं खाते हैं तब हमारा वजन इतना ज्यादा है, जब हम इतना सारा खाना खाएंगे तो वजन तो डबल हो जाएगा हमारा। हमने उनको समझाया, कई सेशन उनके हुए, डाइट सेशन हुए, उनको गहराई से समझाया कि किस तरह आपका शरीर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, और हमारे सिस्टम के लिए, हमारे शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, मस्तिष्क के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, मसल के लिए, भोजन, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग, कई तरीके के उपवास, चाहे वो नवरात्रि के हों, चाहे, और आजकल तो लोग उसको वेट लॉस की तरह भोजन करते हैं, या केवल वेजिटेबल जूस पीते हैं या केवल फ्रूट खाते हैं, वे लोग अनाज बिल्कुल नहीं खाते हैं कई लोग, लेकिन उनको समझाया कि प्लीज ऐसा मत करो, ये आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, इसी से भूखे रहने की वजह से ही वजन बढ़ता है, चर्बी इकट्ठा होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि शरीर को जब हम भोजन के द्वारा आहार नहीं देते हैं तो शरीर चर्बी को करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसे अगर आप भोजन से नहीं दोगे अपने शरीर को एनर्जी के लिए, भोजन चर्बी को इकट्ठा करेगा जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व जितने आपके शरीर में गेहूं के द्वारा, चावल के द्वारा, दालों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, अनाज के द्वारा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं प्रोटीन या सिंगदाने के द्वारा, लोग डरने लगे हैं, इन सब भोजन से दूर रहने लगे हैं जो हमारे शरीर की पहली जरूरत है। और जैसे ही हम भोजन करना शुरू करते हैं हेल्थ हमारी इंप्रूव होती है, बीमारियां हमसे दूर जाने लगती हैं। बीमारियां भूखे रहने की वजह से, डाइटिंग करने की वजह से,
और समय पे भोजन ना करने की होती है, वजन भी बढ़ाता है। तो जैसे ही हमने उनको खाने का सिखाया, उनके मन से डर को दूर किया कि नहीं आप मोटे नहीं होगे, भोजन कीजिए आप पतले होगे, और मैं बैठी हूँ। और सच में उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने जैसा उनको बताया वैसा किया, और बहुत बड़ी मात्रा में हर लेडी ने कम से कम पहले प्रोग्राम में टोटल 400 किलोग्राम के लगभग वजन कम हुआ। बहुत सारी महिलाओं का डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, 7-स्टार हॉस्पिटल जो है वहां से हम उनकी मेडिकल रिपोर्ट निकलवाते हैं, लोगों का डायबिटीज ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो गया, उनके हड्डियों की प्रॉब्लम, उनके प्रॉब्लम, सर्वाइकल लंबर थोरासिक नी का प्रॉब्लम, उनके शरीर में कई तरीके के दर्द थे, उन सभी में राहत, माइग्रेन लोगों का ठीक हो गया, उसके अलावा थायराइड, उसमें भी लोगों को, और वजन तो साइड इफेक्ट है। हम शरीर को हेल्दी बनाने के लिए मैं काम करते हैं यहाँ। शरीर पतला अपने आप होता है, स्लिम बॉडी हेल्दी बॉडी का साइड इफेक्ट है, वो आपको अपने आप मिलता है। शरीर अच्छे भोजन के द्वारा, सही भोजन के द्वारा और थोड़ा सा वर्कआउट, क्योंकि 70% भोजन ही हमको एनर्जी देता है, और उसको पचाने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें 30% व्यायाम करना होता है। थोड़ा सा व्यायाम काफी है, और अधिक और सही मात्रा में, और सही भोजन और सही समय पर, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जो हमको स्लिम रखती है, फिट रखती है, एनर्जी देती है, और जीवन में अपने हर तरह के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे को पूरी जीवन भर ऊर्जा देती है। तो भोजन से समय पर, यही हमने उनको 90 डेज में सिखाया, और वो प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ कि ठाकुर कॉलेज ने भी फिर हमें इनवाइट किया। जो प्रिंसिपल मैडम चक्रवर्ती जी थी, उन्होंने अपने पूरे स्टाफ के लिए, कॉलेज के लिए उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। जो मिस इंडिया थी 2 साल पहले, जो मिस इंडिया बनी थी, फेमिना मिस इंडिया, उन्होंने भी अपने ट्विटर पे और अपने फेसबुक पे हमारे इस 90 डेज प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है। उनको जब वहाँ कॉलेज में बुलाया गया, इन्वाइट किया गया, उन्होंने उस प्रोग्राम के बारे में, हमारे अग्निशक्ति के 90 डेज के बारे में, फेमिना मिस इंडिया जो बनी थी नंबर 1, उन्होंने काफी लंबा हमारे बारे में कि वो कितना सफल और सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, उसके बारे में लिखा है। इस तरह के हम कुल मिला के 5 प्रोग्राम कर चुके हैं, और कम से कम 1100 से 1200 महिलाएं इसका रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट वे लोग अचीव कर चुकी है। अग्निशक्ति योग है हमारी संस्था का, इसमें जितनी भी योगा क्लासेस होती हैं वो तो सारी की सारी फ्री चलती हैं। इसमें हम इन लोगों को, जब ये 90 डेज होता है, इसमें इनके मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, जिसमें कि बिफोर एंड आफ्टर उनका जो अचीवमेंट हुआ है, वो डॉक्टरों के सिग्नेचर और डॉक्टरों का, हमारे पास पूरा उनका डेटा है, उन्होंने क्या क्या अपनी शारीरिक तकलीफों से मुक्ति पाई, एक्स्ट्रा वजन से भी मुक्ति पाई, उसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी में जो सुधार आया है, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल जो बदलाव उन्होंने आए, और ये सारी की सारी एक महिलाएं एक परिवार की तरह इस कार्यक्रम से इतने प्रेम से जुड़ी हुई हैं, और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमको वो जगह एक्चुअली में बहुत छोटी पड़ती है, कम पड़ती है। जितने भी बैचेस हमारे होते हैं, पूरा का पूरा हॉल मॉर्निंग में हमारे योगा होता है, इवनिंग में जुम्बा एरोबिक्स होता है, ये जितने भी बैचेस हैं, ये सारे के सारे जिम छोड़कर जितना भी व्यायाम है, ये सारा का सारा फ्री होता है। और कम से कम 2000 के लगभग हमारी ठाकुर कॉम्प्लेक्स और ठाकुर विलेज की महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और बहुत बेनिफिट ले रही हैं। बल्कि आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग भी सब इसी आसपास की जो लोग रहते हैं, बल्कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी, तो आप सभी भी उसमें आमंत्रित हैं उससे जुड़ने के लिए। और ये सभी क्लासेस फ्री हैं, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। 90 डेज के कुछ नॉमिनल होते हैं, जो क्योंकि उसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह का खर्चा आता है, उतना भरी। ये सो मच, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। और ये शायद हमने पहली बार ये जाना कि भूखे रहने से शरीर का वजन बढ़ता है, तो
जानते हैं एक विश्वास है कि ज्यादा खा लिया और एक्सरसाइज नहीं की इसलिए वजन बढ़ गया, पर कम खाना और भूखे रहना जिससे कि मेरी मेरी बॉडी का वेट नहीं बढ़े या चर्बी नहीं बढ़े वो एक अपवाद है, ये जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि वाकई में खाना जरूरी है, नहीं खाओगे तो आपका वजन और भी बढ़ेगा। आप ये जो कह रहे हो डाइट और उसके प्लान के साथ में, तो कुछ क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि अगर घुटनों का दर्द है तो उसके लिए हम किस तरीके से, क्योंकि घुटने में दर्द होता है तो व्यक्ति खड़ा भी नहीं पाता है, कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता है, तो क्या वो भी या वेरिकोवेंस है तो क्या वो भी इस प्रकार का कुछ व्यायाम कर सकते हैं? हमारे जब 90 डेज जब हमारा 90 डेज कार्यक्रम होता है तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको वेरिकोस का प्रॉब्लम होता है, घुटने के जॉइंट का प्रॉब्लम, उनके नी में गैप होता है या उसके अलावा कोई और दूसरी व्याधियां जो हमारे स्पाइन में सर्वाइकल लंबर थोरासिक जो पूरा का पूरा स्पाइन है, किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, किसी को लंबर का होता है, किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जिनके घुटनों में गैप है उनको हम काफी सारे व्यायाम के लिए मना करते हैं कि नहीं आप ये जो जंपिंग वाला है वो आपको नहीं करना है, उठक बैठक वाले नहीं करने हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको समझाते हुए व्यायाम कराते हैं। किसी को अगर फ्लिप डिस्क है या शोल्डर का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको कुछ व्यायाम हम उन पे ध्यान देते हैं कि आप ये ना करें और ये वाले करें, उसके लिए हम उनसे कहते हैं कि आप पहले अपने डॉक्टर से परमिशन लेके आइए, वो आपके आपकी प्रॉब्लम को आपके डॉक्टर ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं और यदि वो आपको अलाउ करेंगे तो आप 90 डेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन कि जिन महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या कम उम्र की है, 25 30 45 उम्र की है, फ्यूचर में उनको कभी ना हो इस तरह की परेशानियां खड़ी ना हो, उसमें ये सबसे ज्यादा फायदा करता है क्योंकि हड्डियों में क्या है तभी आता है, उसका कारण बहुत सिंपल है लेकिन पता नहीं है लोगों को, क्योंकि जब हम पोषक तत्वों की शरीर में कमी होती है या न्यूट्रिएंट्स कमी होती है भोजन के द्वारा जब हमें वो नहीं मिलता है तो शरीर अपने आप को ही अंदर से खाने लगता है, जो हड्डियों के जोड़ों के बीच में कार्टिलेज होता है, घुटने के बीच में आपने पता होगा एक जेल होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, यदि कैल्शियम या फॉस्फोरस या मैग्नीशियम या प्रोटीन यदि आप सही मात्रा में भोजन के द्वारा नहीं जा रहा तत्व चाहिए वो उन हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है बहुत अच्छे पोषक तत्वों से बना होता है, वो उसमें कैल्शियम होता है, उसमें फॉस्फोरस होता है और भी बहुत सारे तत्व हैं, वो सारा का सारा जो शरीर को चाहिए वो वहां से खींचने लगता है और ऊर्जा लेता है। वो इसी वजह से हड्डियों में गैप या परेशानियां, आपने सुना होगा पीछे सर्वाइकल का प्रॉब्लम या स्पाइन का लंबर थोरासिक के बीच में गैप आ जाता है, पीठ की हड्डियों में गैप आ जाता है या शरीर में वेरिकोस वेन जो मैग्नीशियम की कमी होती है, प्रोटीन यदि वो सही मात्रा में नहीं लेते, दालों का सेवन नहीं करते या अंडा जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो नॉनवेज हुआ, जो वेजिटेरियन है उनके लिए दालें हुई, सिंगदाना हुआ और इन्हीं राजमा हुए, छोले हुए, छिलके वाली दालें हुई, अंकुरित दालें हुई, हमारा गेहूं हुआ, चावल हुआ, सब में प्रोटीन की मात्रा होती है, महिलाएं जरूरत से कम खाती हैं या एक त्याग की भावना होती है, वो सोचती है कि हम पहले दूसरे का ध्यान रख लें हम बाद में खाएं, या वो मैंने देखा है मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में कुल मिला के 90% से अधिक महिलाएं नाश्ता नहीं करती हैं, वे केवल सीधा लंच करती हैं और सीधा रात को डिनर करती हैं, उतना भोजन बहुत कम है हमारे शरीर के लिए। तो जब आप शरीर को भोजन के द्वारा नहीं दोगे तो शरीर हड्डियों के अंदर से ही वो तत्वों को शोषण करने लगता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और गैप आ जाता है और उस वो तकलीफ रिवर्स नहीं होती। आप दुनिया की सारी चीजें हमारे ऑर्गन दूसरे नकली ऑर्गन बनने लगे हैं लेकिन कार्टिलेज का आविष्कार अभी नहीं हुआ है, कुछ पेन वाले इंजेक्शन जरूर आए हैं जो कि कुछ अंदर कुछ केमिकल डाल के उसको करते हैं लेकिन वो बहुत पेन वाले होते हैं और बहुत महंगे होते हैं और बहुत तकलीफ देह भी होते हैं, नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है या जो आपने देखा होगा लोग गले में गर्दन में बेल्ट बांध के और कमर के ऊपर थोड़ा सा बेल्ट बांध के उनको रहना पड़ता है आगे जीवन भर, ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए भी शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 90 डेज में बहुत बड़ी तैयारी होती है।
जिनको ये इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, हड्डियों के अंदर गैप तो किसी से भी ठीक नहीं होता, लेकिन जिनको नहीं है उनको फ्यूचर में कभी नहीं होगा, और अच्छे भोजन के द्वारा, पोषक तत्वों के द्वारा उस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है कुछ हद तक।